न्यू चैप्टर प्रॉफिट और लॉस। क्या नाम है? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस कहाँ से मिलता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू, क्या वर्ड है? प्रायर, प्रायर मतलब पहले, सही बोल रहा हूँ। प्रायर मतलब पहले टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब जब कंपनी स्टार्ट होती, जब कंपनी क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो क्या हुआ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जियो और आइडिया। एक जियो कंपनी है, एक आइडिया। आइडिया पहली है कि जियो पहली है? आइडिया पहले की। इसको क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग कंपनी। क्या बोलेंगे? यानी ओल्ड कंपनी। और जियो उसके बाद आया ना, अभी अभी आया, तो इसको क्या बोलेंगे? नई कंपनी, न्यू कंपनी। ये क्या कर रहे हैं? जियो इसका पूरा बिजनेस टेक ओवर कर ले रहा। क्या कर ले रहा? यानी उसका पूरा बिजनेस ले ले रहा। तो अब ये कंपनी बंद हो जाएगी और ये कंपनी चालू हो जाएगी। तो इसमें होगा क्या, मतलब इसका पूरा बिजनेस किधर आ गया? इधर। तो इसको क्या बोलते हैं? टेकन ओवर। ये क्वेश्चन में जैसा मतलब देंगे ये वर्ड कि ये कंपनी ने ये कंपनी को क्या करी, टेक ओवर करी, ये डेट पे करी। तो कैसा देगा? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा, एक चार, एकदम सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन एक समझने के लिए। 2018 जियो ने क्या करा, आइडिया को टेक ओवर करा, टेक ओवर की डेट। तो बस आज टेक ओवर करा तो कल स्टार्ट हो जाती है कंपनी, ऐसा नहीं होता। कोई दुकान नहीं है, समझ रहे हो, बड़ी कंपनी है, इसको पूरा प्रोसीजर करना पड़ता, ROC के पास रिटर्न्स सबमिट करना पड़ता, तो कुछ पीरियड लगा। इसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब कंपनी जहाँ से स्टार्ट होती तो वो इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे 3-4 महीने उसकी फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ेंगी। उसकी क्या करना पड़ेंगी? फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ेंगी। कितने असेट लिए अपन ने वो कंपनी के, कितने उसके लाइबिलिटीज़ देना बाकी है, और वो कंपनी में डायरेक्टर कितने हैं। कंपनी में डायरेक्टर रहते हैं तो कंपनी में डायरेक्टर कितने थे, पूरी जो डिटेल्स रहती वो ROC के पास क्या करना पड़ती, सबमिट। ROC मतलब क्या? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहाँ पे क्या करते, पूरे कंपनीज रजिस्टर्ड होते। तो उसकी पूरी डिटेल देने के लिए, फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए, ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए कितना वक्त लग गया? 3 महीने आसपास, 2-3 महीने, जो भी रहेंगे, जो भी क्वेश्चन में देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? और फिर वो जाके कब इनकॉर्पोरेट हुई? थोड़े 3 महीने के बाद। यहाँ से 3 महीने कितने हैं? मई, जून, 30 जून बोल सकते ना, 30 जून, यानी 3 महीने। अब यहाँ से ईयर एंड कब हो रहा है? क्वेश्चन में देंगे क्या, वो अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा, अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा। तो फॉर एग्जांपल अपन पकड़ लेते 31 मार्च 2018 को क्या हो रहा, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा, इतना समझा। बेस किसको लेने का, कि वो कंपनी क्वेश्चन में देंगे कि वो इनकॉर्पोरेट कब हुई। तो इसके पहले का पीरियड क्या हो जाएगा? प्री पीरियड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, इनकॉर्पोरेशन पीरियड, इनकॉर्पोरेशन से पहले का पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद का पीरियड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये दो वर्ड दिख रहे हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन से पहले का और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद का, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 2019 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मेन मकसद क्या है ये चैप्टर का, क्या बिजनेस में मतलब उसको प्री पीरियड में कितना प्रॉफिट होने वाला है, प्री पीरियड में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अलग अलग करना है। यहाँ पे क्या करना है? प्रॉफिट हो रहा बिजनेस में। नाम क्या है चैप्टर का? प्रॉफिट और लॉस।
प्री पीरियड में प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा, पोस्ट पीरियड में प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा, तो ये कहाँ से निकलता प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्वेश्चन में दे दूंगा, एक्सपेंसेस दे दूंगा और बोलेंगे कि प्री के अलग करके बताओ और पोस्ट के अलग करके बताओ। इतना ही समझेंगे इंट्रोडक्शन। एक कंपनी बोल देंगे कि ये कंपनी ने इसको क्या करी, टेक ओवर करी, फिर वो इनकॉर्पोरेशन की डेट दे देंगे, टेकन ओवर की डेट देंगे, तो अपने को निकालना पड़ेगा उसमें से क्या इनकॉर्पोरेशन कब हुआ। तो इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड प्री और इनकॉर्पोरेशन के बाद का पीरियड पोस्ट। समझे? इतने ये दो, एक टर्म, दो टर्म और ये तीन टर्म, समझे? नेक्स्ट, बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो डायरेक्ट बोल देंगे कि जैसा कुछ बेसिस लेना है, ये देखो मैंने टाइम रेशो लिया और सेल्स रेशो लिया, टाइम रेशो और सेल्स रेशो, क्या ये बेस लेना है। टाइम रेशो के बेसिस पे कौन से खर्चे, सैलरीज। अब ये टाइम रेशो क्या है और सेल्स रेशो क्या है, मैं एक्सप्लेन कर रहा अभी। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में आता, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट रेट्स, इलेक्ट्रिसिटी और कुछ एक दो रहेंगे। सेल्स रेशियो के बेसिस पे कौन से सेल, अब ये याद थोड़ी करना है, अपने को खुद समझ में आ रहा। बैड डेब्ट्स कब होता, जब पैसे कोई डुबाता, तो कब डुबाता, जब सेल करते, तो करके सेल लिया है। कैरेज आउटवर्ड कब लगता है, सेल करते वक्त। सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब इसका भी रिलेशन सेल से, कमीशन टू सेलिंग एजेंट सेल से रिलेशन है। एडवर्टीजमेंट कब करता है बंदा, जब सेल करना है उसको, तो ये हो गया सेल्स। और ये डायरेक्ट इसका कोई रेशो नहीं है, जिसका कोई रेशो नहीं है वो पोस्ट में, जिसका कोई नहीं उसका ना टाइम से ना सेल से, ना टाइम से ना सेल से, तो वो डायरेक्टली पोस्ट में ले लेने का। मैं बता रहा अभी कैसा करना है। अभी टाइम रेशो, टाइम रेशो ये पीरियड से निकालना है अपने। टाइम रेशो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर टाइम रेशो और सेल्स रेशो गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया अपना। टाइम रेशो क्या आएगा इसमें, इसमें तीन महीने आए और इसमें कितने आए, नाइन मंथ्स आए ना। इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, 30 जून को, इसके पहले के तीन महीने और इसके बाद के अकाउंटिंग ईयर एंड होने तक कितने महीने, नाइन मंथ। तो यहाँ से कितना रेशो निकल रहा, 3:9, रेशो कितना 3:9, और सिंप्लीफाई कर सकते ना इसको 1:3, 3 × 3, 3 × 9, 1:3। टाइम रेशो क्या आ गया, 1:3, टाइम रेशो 1:3। अब बोलेंगे क्या क्वेश्चन में दे देंगे सैलरी कितना है, क्वेश्चन में टाइम रेशो नहीं देंगे, अपने को ऐसा निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन के साथ में। अभी मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया 3,000 है, अपने को प्री का अलग करना पड़ेगा और पोस्ट में अलग करना पड़ेगा। प्री में 1 और पोस्ट में 3, इसका क्या मतलब है, प्री में ये 3 है ना, 3 किसका है, 1 और ये 9, प्री का 1 और पोस्ट के 3, ऐसा मतलब है। अभी देखो, एक बोलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के बताओ, एक रफली बना रहा हूँ वो क्वेश्चन के साथ, तो और क्लियर होगा। कितना दिया इलेक्ट्रिसिटी और बेसिस क्या लेने का, इलेक्ट्रिसिटी का बेस ये इलेक्ट्रिसिटी, टाइम रेशो, टाइम रेशो क्या है 1:3, कितना है टोटल खर्चा दिया 3,000, रेशो में बांट देना है। ओवरहेड में भी करे अपन ने, मतलब कहीं कहीं किसने करे भी होंगे ओवरहेड्स, डिपार्टमेंट में करे किसी ने, बस ये 3,000 प्री पीरियड है, ये एक प्री और ये एक पोस्ट, दोनों साइड में इसी रहेगा। हाँ, टोटल, और यहाँ पर क्या आएगा, जीपी आएगा बस खाली, और एक आधी इनकम हो सकती है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता, जीपी आता इधर, वो जाने दो, प्री और ये दूसरा पोस्ट। ये 3,000 को अपने क्या करने का है, डिस्ट्रीब्यूट करने का है, डिवाइडेड बाई 4 है सपोज, ये और इजी कर लेता हूँ मैं, 4 है, डिवाइड करो, ये प्री का 1, प्री का और पोस्ट का कितना 3,
4000 डिवाइडेड बाय 4 टोटल कितना हो रहा है, 1 और 1 और 3 कितने हो गए, 4, 1 और 3 4, प्री का कितना 1, प्री का कितना 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1000 आ जाना, 1000 पोस्ट का बस हो गया, ये चार में से एक माइनस कर दो 3। तो ऐसे क्या करेंगे आप, खर्चे दे देंगे अपने को, उसका क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा अलग अलग, प्री में कितना पोस्ट में कितना, वैसे ही सेल का भी कुछ दे देंगे, सेल दे देंगे इतना इतना है अलग अलग सिचुएशन में, उसका भी रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या बोला मैंने यहाँ, सेल्स रेशियो, बैड डेब्ट्स दिया तो काय के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे, एक ले ही लेते एग्जांपल, इसका रेशियो है फॉर एग्जांपल 1:2 सेल्स का हाँ, तो वो एक क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कि सेल्स का रेशियो कैसा निकालते हैं। अभी बैड डेब्ट्स दे दिया उसने 3000 दिया, बैड डेब्ट्स भी कहाँ आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस में, इधर ही आने वाला है बैड डेब्ट्स, कौन सा बेसिस, सेल्स रेशो, क्यों, क्योंकि बैड डेब्ट्स किधर है, सेल में 1:2 और कितना है 3000, डिस्ट्रीब्यूट करो 3000 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 3 और एक किसका है, प्री का, और दो किसका है, पोस्ट का, ख़त्म, ये एक आ जाएगा और ये कितना है, दो, तीन में से एक गया, दो, फिनिश। ऐसे क्या करेंगे, कुछ खर्चे दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, अपने को उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टाइम का कौन सा है, ये सब है, और सेल्स के कौन से है, ये सब है, और कुछ दे देंगे क्या, ऑडिट फीस बोलेंगे क्या, ऑडिट फीस है, और ये भी लॉजिकली एकदम, ये भी क्या है सब लॉजिकली है, पोस्ट पीरियड में कब लेना बोल के, पोस्ट पीरियड मतलब कौन सा, खाली इसमें ही लेना है, पोस्ट लिखा ना मैंने वहाँ डायरेक्ट पोस्ट पीरियड में, तो पोस्ट पीरियड कौन सा है, ये वाला है। ऑडिट फीस बोला, ऑडिट कब करते अकाउंट का, जब एक साल पूरा हो जाता, फ्री में आएगा क्या वो, नहीं करके वो लॉजिकली कहा है मैं डायरेक्ट पोस्ट में, ऑडिट फी, डायरेक्टर फीस, डिबेंचर, इंटरेस्ट कब कर देते एक साल के बाद, यहाँ पर देंगे, तो वेरी ऑब्वियस वो कहाँ जाने वाला है, पोस्ट पीरियड में। डिविडेंड कब देते, प्रॉफिट आता, और प्रॉफिट कब आता है, एक साल के बाद, तो वो भी करके डायरेक्टली पोस्ट पीरियड में। अब बोला उसने ऑडिट फीस है 1000, तो ऑडिट फीस भी यहीं आती ना, एक्सपेंस है ऑडिट फीस, यहाँ पे डायरेक्टली लिया उसने ऑडिट फीस, तो मैं कोई लूँगा, लेना पड़ेगा क्या टाइम और सेल्स, नहीं मैंने क्या बोला उसको, डायरेक्टली पोस्ट में कितना है ऑडिट फीस 1000 डायरेक्ट पोस्ट में, ठीक है। नहीं नहीं अभी खाली बस इतना ही समझा रहा मैं, क्या एक्सपेंसेस को टाइम में कैसा डिस्ट्रीब्यूट करते और डायरेक्ट दिया तो उसको पोस्ट में कब लेते और वो कैसा आएंगे आप, क्या होने वाला है इसके अंदर, और तो वो क्वेश्चन के साथ में, ठीक है।